पहलवान लीला राम सावन का जन्म हरियाणा में चरखी दादरी जिले के गांव मंडोला में हुआ था। 30 नवंबर 1930 को जन्मे लीला राम बचपन से ही होनहार थे। इनके पिताजी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। उस समय खेलों की हालत ठीक नहीं थी। कई बार अधिकारियों से खिलाड़ियों के गिले शिकवे भारी पड़ जाते थे। कई बार आर्थिक स्थिति के कारण खिलाड़ी चाहकर भी आयोजनों में हिस्सा नहीं ले पाता था, क्योंकि कई बार तो खर्च खिलाड़ी को स्वयं ही उठाना होता था। खेलों में राजनीति जिस प्रकार आज कायम है, उसी प्रकार उस जमाने में भी कायम थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सब कुछ जल्द पता चल जाता है, तब पता नहीं चल पाता था। लीलाराम सावन सन 1948 में ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर में शामिल हो गए थे, जो उस समय नसीराबाद में स्थित हुआ करता था। वहीं से लीलाराम के कैरियर ने उड़ान भरी थी। लीलाराम सावन सन 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीतकर घर घर में लोकप्रिय हो गए थे। लीलाराम सावन द्वारा जीता गया यह स्वर्ण पदक भारत की झोली में आने वाला पहला राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक था। लीलाराम पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैवीवेट और सुपर हैवीवेट फ्रीस्टाइल श्रेणियों में भाग लिया करते थे। सन 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी लीलाराम ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। सन 1956 में ही पहलवान लीलाराम सावन ने ईरान के प्रसिद्ध पहलवान मोहम्मद अली को हराया था। अनेकों बार लीलाराम पहलवान ने हिंद केसरी, भारत केसरी, रुस्तम ए हिंद के खिताब अपने नाम किए। 50 और 60 के दशक में राष्ट्रीय हैवीवेट कुश्ती चैंपियन के रूप में लीलाराम पहलवान ने राज किया। सक्रिय खेल से संन्यास के बाद भी लीलाराम पहलवान खेल से जुड़े रहे। वे भारतीय कुश्ती टीम के कोच भी रहे। साल 1980 से लेकर सन 1998 के बीच खेल के सहायक निदेशक के रूप में उन्होंने हरियाणा खेल विभाग की सेवा की। साल 1998 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। लंबे समय तक पहलवान लीलाराम ने दिल्ली में झंडे वाला अखाड़ा भी चलाया। लीलाराम पहलवान की देखरेख में मालवा और उदयचंद जैसे दिग्गज पहलवान तैयार हुए। उदयचंद पहलवान ने अनेकों मेडल जीतकर देश को दिए। 3 बार ओलंपिक में गए। उदयचंद पहलवान के कुश्ती में योगदान को देखते हुए उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देश का पहला कुश्ती में अर्जुन अवार्ड लीलाराम के शिष्य पहलवान उदयचंद के ही पास है। दूसरी ओर मालवा पहलवान ने सन 1960 और सन 1964 के ओलंपिकों में भाग लिया। यही नहीं, सन 1962 के एशियाई खेलों में मालवा पहलवान ने ग्रीको रोमन में स्वर्ण पदक तथा फ्री स्टाइल में कांस्य पदक प्राप्त किया था। लीलाराम पहलवान के शिष्य मालवा के द्वारा कुश्ती में दिखाए गए दमखम को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। जब लीलाराम पहलवान जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे, तब वे सरकारों से बेहद नाराज रहे। कभी कोई उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। एक बार उन्होंने पद्मश्री लौटाने की भी धमकी तक दे डाली थी। आखिरी सांस तक पहलवान लीलाराम सरकार द्वारा सुध ना लेने पर मलाल की आहें भरते रहे। 11 अक्टूबर साल 2003 को भिवानी जिले के चरखी दादरी स्थित अपने निजी निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनके निधन की खबर देश में आग की तरह फैल गई थी। उनके चाहने वाले गम में डूब गए थे। आज लीलाराम पहलवान बेशक हमारे बीच न हो, लेकिन भारतीय कुश्ती के इतिहास में पहलवान लीलाराम का नाम हमेशा आदर के साथ लिया जाता रहेगा। वे हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। लीलाराम के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे नई पीढ़ी को उनके बारे में जानने का मौका मिल सके। धन्यवाद।